हेलो दोस्तों, आज मैं इस i20 के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं आया हूं लखीसराय के हुंडई के शोरूम में, और मेरी आज की जो गाड़ी रहेगी ये i20 रहेगी, हुंडई i20। यहां पे देखिए i20 भी लिखी हुई, यहां पे हुंडई का लोगो दिया गया है। ये देखिए, यहां पे इसके हेडलैम्प मिलते हैं, ये इंडिकेटर, ये फॉग लैम्प इसके। तो गाड़ी सामने से काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। देखिए इधर से साइड वाइज भी दिखा देता हूँ। ये आपको इसके वाइपर मिलते हैं, इसके इंडिकेटर जो हैं फेंडर पे दिए गए हैं, यहाँ पे मिरर्स में नहीं दिए, इसके फेंडर पे दिए हुए हैं इंडिकेटर्स। अब देखिए एक बार गाड़ी का लुक देखिए, लुक चेक कीजिए। देखिए ये इसके पार्किंग लाइट और रिवर्स लाइट, यहाँ पे i20 की बैजिंग, यहाँ पे एक लाइट दी गई है। आपको इसके कुछ इस तरह के की मिलती है, ये एक ये वाली की है जिसमें आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, और ये रिमोट वाली की है जो ऐसे खुलती है ऐसे दबाने से। की निकल गई तो मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ और चलता हूँ गाड़ी के अंदर। हो गई गाड़ी अनलॉक, तो मैं आपको पहले पिलियन पैसेंजर साइड सीट पे लेकर चलता हूँ। मैं आ गया हूँ कार में। देखिए यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, कप होल्डर, यहाँ पे ऐसे गेट लगाने के लिए जगह, ये विंडोज़ के लिए, ये आपके डोर्स के लिए, ये हेडरेस्ट का मेरी, देखिए जगह भी काफ़ी है। यहाँ पे एक हैंडल पकड़ने के लिए दी गई है जो ऑटो में ऐसे ही ऑटोमेटिक है, आप खींचेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइट दी गई है, यहाँ पे दो एसी दी गई है, यहाँ पे चार्ज मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे जगह, यहाँ पे फ़ोन आप रख सकते हैं ऐसे। अब मैं आपको इसके ड्राइवर साइड पैसेंजर सीट पे लेकर चलता हूँ। तो ये मैंने किया डोर ओपन, और ये मैं अब जा रहा हूँ अंदर। तो वापस से इसके डोर्स में यही वाली सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक हैंडल ये वाली जगह मिलेगी, यहाँ पे आपका फोल्डर बॉटल होल्डर जो भी बोल सकते हैं, विंडोज़ के लिए, डोर्स के लिए। अब इसकी फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग फिट एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है, एयरबैग की, यहाँ पे एसी, ये इस पे इसका ग्लव बॉक्स, इसमें भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कुछ i20 के डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एड किट मिलता है, इसमें फर्स्ट एड मिलता है। तो मैं इसके ग्लव बॉक्स को कर देता हूँ बंद, कुछ इस तरह से इसके सीट बेल्ट, और इसके जो ग्लव बॉक्स ओपन करने की स्विच दी गई, ये भी काफ़ी यूनिक है। ऐसे सब कर ऐसे नीचे से खुलते हैं, इसके साइड से खुलते हैं। मैं आपको अब इसके ड्राइवर साइड सीट पर लेकर चलता हूँ। ये मैं गया इसके ड्राइवर साइड सीट पर। यहाँ पे इसके डोर साइड पे देखिए बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, वापस से इसमें यही सारे आ जाते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे कप होल्डर या बोतल होल्डर जो भी बोल सकते हैं, ये डोर के लिए लगाने के लिए, ये डोर्स के लिए जगह है ये, और ये सारे कंट्रोल्स में इससे ही आप चारों विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। और ये स्विच किस चीज़ का है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। मैं आपको इसके अंदर का चीज़ दिखाता हूँ अंदर बैठ कर। मैंने गेट कर लिया बंद, क्लोज। ये देखिए इसके हैंड ब्रेक, और यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, ऐसे खुलती है, ऐसे यहाँ पे इसकी आर्मरेस्ट ऐसे खुल जाती है। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी दी गई है, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, कप वगैरह, और इसको आप वापस बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट दी जाती है, लाइट के कंट्रोल्स दी जाते हैं, लाइट के कंट्रोल्स दी जाते हैं, यहाँ पे एसी दी जाती है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दी जाती है। यहाँ पे बटन्स दिए गए इसके, यहाँ पे एसी के लिए, ये साइड कुछ इसका मुझे इस स्विच का यूज़ मुझे नहीं पता है किस चीज़ के लिए, शायद फ़ैन के लिए, और इस सब का मुझे पता नहीं है। ये 12 वोल्ट का देखिए चार्ज का सॉकेट यहाँ पर दी गई है, स्विच दिया है, 180 वोल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें भी स्टेयरिंग पे इसका भी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, मोड के हैं बटन, या वॉल्यूम डाउन यहीं पे कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये स्विच तो इसमें दिया ही जाता है, यहाँ पे भी स्विच दिया गया आपको, देखिए इस साइड भी स्विच ही है। आप व्यू चेक कीजिए सामने से गाड़ी का, और आपके इसके गियर चेक कीजिए। देखिए इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, और इसके नीचे पैडल्स मिलते हैं। मैं आपको इसके गियर लगा कर दिखाता हूँ।
मैंने ये प्रेस किया क्लच, इसके एक नंबर गियर लग गई, ये दो, तीन, ये चार, ये पांच नंबर लग गई गियर इसके, ये रिवर्स, ये हो गया बीच में न्यूट्रल। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते थे गाड़ी के बारे में, तो आप विनय ह्युंडई लखीसराय में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आकर गाड़ी की और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, और विनय ह्युंडई में आइए और गाड़ी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लीजिए और परचेस कीजिए और अपने घर लेकर जाइए।